मलेरिया की रोकथाम को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल झाबुआ जिले में डेंगू और वायरल फीवर काफ़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहाँ 15 मरीज डेंगू के सामने आए हैं। मलेरिया विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम को लेकर दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रतिदिन डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मलेरिया विभाग ने जिला अस्पताल की दीवार पर डेंगू की रोकथाम के लिए एडवाइजरी चिपका के इतिश्री जरूर कर ली है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। झाबुआ शहर के जिला चिकित्सालय परिसर में मलेरिया विभाग के पास बरसात का पानी जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छरों का खतरा बना हुआ है। यहाँ लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। बहरहाल मलेरिया विभाग डेंगू के लार्वे को ग्रामीण क्षेत्रों में खोजने की बात कह रहा है, लेकिन शहर की तस्वीरें ही जिला प्रशासन को चिढ़ा रही हैं। कुल मिलाकर जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि कहीं पर भी आपके घर के आसपास लंबे समय से बरसात का पानी इकट्ठा है तो उसे वहां से खत्म करें। डेंगू के लिए हम लोगों ने जो 15 तारीख को इसका महाअभियान की शुरुआत की थी, जो पूरे प्रदेश स्तर पर हुई थी, और उसके अंतर्गत हमारे जिले के समस्त जितने भी ग्राम और नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्यतः जो लार्वा सर्वे की एक्टिविटी है हमारी, जो कि इसको नियंत्रण करने के लिए सबसे कारगर है, उस पर मुख्य फोकस कर रहे हैं। इसलिए 2-3 वर्षों में मिलाकर कम से कम 10 लाख मच्छरदानियों का वितरण हो चुका है। सर, इस वर्ष आगामी 1-2 महीने में सर मच्छरदानी वितरण हुआ है क्या? अभी 1-2 महीने में इसके लिए बाकायदा जो भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होता है, और अभी 1-2 महीने पहले मच्छरदानी का वितरण नहीं हुआ था। 2020 में हमने मच्छरदानियाँ यहाँ पर बांटी हुई थी। जी सर, बरसात के मौसम के पहले पिछले वर्ष, इस वर्ष अभी तक बरसात ही नहीं। अब 2022 में आने का आवंटन प्राप्त होगा, 2022 में इसको बांटी जाएगी। हर 3 साल के अंतराल में इसको वितरण किया जाना, और इसमें हमारे 755 गांवों में अभी तक वितरण हुई। जी सर, हम जैसा देख रहे हैं आपके ऑफिस के आसपास ही गड्ढे और उनमें पानी भरा हुआ है, क्या इसे साफ करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपके विभाग के बाहर ही इस तरह पानी भरा हुआ होगा तो आप खुद कैसे सुरक्षित रहेंगे और किसी को और को कैसे सतर्क और सावधान कर पाएंगे? मेरे कार्यालय के आसपास कहीं पे भी पानी भरा हुआ नहीं है, और कई जगह ऐसा स्थिति निर्मित होती है या कई जगह ऐसी है स्थिति, तो वहाँ पे उसको निरंतर साफ कराना चाहिए उन लोग।